नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न लेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गों के योग के योग पर आधारित प्रश्न लिए थे। इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर आ जाता है। आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपका एक प्रश्न इस तरह का आ जाता है। अगर हमने कभी किया हुआ है तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं, और अगर हमने पहले कभी नहीं किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। एक का घन जमा दो का घन जमा तीन का घन जमा चार का घन डैश 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 90 का घन। अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाता है तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए। एक का घन जमा दो का घन जमा तीन का घन जमा चार का घन डैश 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 किसी का भी घन हो सकता है, मान लीजिए 90 का घन है। इस सवाल को आपको हल करना है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक से एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी धन पूर्णांकों, धन पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो एक से लेके एन तक कोई भी संख्या हो सकती है, अगर उनके घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा एन एन जमा एक बटे दो की घात दो। एन एन जमा एक बटे दो की घात दो, ये हमारे पास फॉर्मूला है घन का। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। तो कैसे करेंगे, एन हमारा क्या है, एन है हमारा 90, तो घनों का योग क्या हो जाएगा, घनों का योग हमारा हो जाएगा एन एन जमा एक बटे दो का वर्ग। तो देखिए एन की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो यहां पर हम 90 लिखेंगे, 90 गुणा 90 जमा 91 बटे दो की घात दो। अब देखिए दो से 90 कट जाएगा, ये हो गया आपका 45, यानी 45 गुणा 91 की घात दो। अब 45 और 91 की गुणा कर देंगे और फिर इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 45 और 91 की हम गुणा कर देते हैं, एक पंजे पांच एक चौ चार, नौ पंजे 45 हासिल को चार, नौ चौक 36 और चार 40, पांच नौ जीरो चार, एक पंजे पांच एक चौका चार, नौ पंजे 45 हासिल को चार, नौ चौक 36 और चार 40, ये आ गया आपका 40 के चार में, यानी कि 40 95 का वर्ग। वर्ग से मतलब है यानी कि 40 95 की हम 40 95 में गुणा कर देंगे, गुणा करके हमारा जो उत्तर आएगा वो घन का योग हो जाएगा एक से लेके एन तक की संख्या का। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 40 95 की 40 95 से आप गुणा कर लेंगे, ये आपका हल हो जाएगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूं क्या आपका उत्तर आना चाहिए। देखिए इसका आपका उत्तर आएगा, लिख लीजिए, आप इसे चेक करना, 1 6 7 6 9 0 2 5, ये आपका आंसर आएगा। आप चेक करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि एक से लेकर 90 तक के घनों का अगर हम योग करें तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल भी हमारा आ जाता है, कैसे, अब देखिए इसी तरह का हमारा एक सवाल और आ जाता है, अब इस सवाल को हम, ये तो हमारा एक से लेकर 90 तक का घन था, मान लीजिए हमारा एक से शुरू नहीं हुआ और हमारा किसी और संख्या से हमारा सवाल शुरू हो गया, जैसे हमारा दूसरा सवाल है 15 का घन जमा 16 का घन जमा 17 का घन जमा डैश 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 करके 60 का घन।
अब ऐसे सवाल में क्या होगा, हमारे पास तो फॉर्मूला एक से लेके शुरू है, एक से लेके एन तक के घन का फॉर्मूला है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक से लेके 60 तक का घन निकालेंगे, यानी कि हमें पहले निकालना है एक का घन जमा दो का घन जमा तीन का घन डैश 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 60 का घन, पहले हम इसको निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद इसमें हम ये 15 है, 15 से पहले क्या आता है 14, यानी कि 1 से 14 तक का घन निकाल लेंगे, 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन डैश 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 14 का घन, तो आपका यही आ जाएगा 15 से लेकर 60 तक का घन। तो इसमें कैसे निकालेंगे, n n प्लस 1, n हमारे पास कितना है इसमें 60 गुणा 61 बटे 2 का वर्ग माइनस इसमें n क्या है हमारा 14 इंटू 15 बटे 2 का वर्ग। अब 2 से 60 कट जाएगा, ये आपका आ गया 30, ये हो गया आपका 30 गुणा 61 का वर्ग माइनस ये 2 से कट जाएगा 7, 7 गुणा 15 का वर्ग। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यानी 60 की 30 में गुणा करेंगे, 0 लगा दी, 3 एकम 3, 3 छह 18, 1830 आ गया इसका वर्ग, माइनस 15 सत्ते 15, 15 पंजे 75, 15 छह 90, 15 सत्ते 105, ये 105 हो जाएगा 105 का वर्ग। अब आप 105 के वर्ग को यानी कि 1830 के 1830 में गुणा करेंगे और फिर 105 के 105 में गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के घन के सवाल भी आपके अक्सर आ जाते हैं, अगर आपने पहले कभी किए होंगे तो आपको इन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपकी समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह का प्रश्न अगर आपका आता है और आपने ये वीडियो देख ली तो आप इस प्रश्न को अवश्य कर लेंगे, दो ही प्रश्न है इसमें, इस तरह के मुझे ज्यादा प्रश्न नहीं मिले, तो आप इन दोनों प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। इसका जो आंसर हमारा आएगा, अब देखिए इसका आंसर आएगा हमारा 33 37 875, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप इसके आंसर को लिख लीजिए। ये आंसर आपका आना चाहिए, जब आप 1830 के 1830 में गुणा करेंगे जो आंसर आएगा उसमें 105 गुणा 105 की जो गुणा होकर आएगा उसे घटाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।